के और सरनिधि भी थे। आज से ऑफिशियली जो है उनको अपना जो काउंसलर है उसे फाइज किया है। उसके साथ ही कल 18 तारीख को जैसे कि फर्स्ट जनरल काउंसिल मीटिंग रखी गई है, जिसमें आप सबको पता है कि चेयरमैन का वहां पे मुंतखब होंगे। उससे पहले हमारे जितने भी चुने हुए काउंसलर्स थे और हमारे पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो आज बैठे हैं, और हमारे पार्टी की तरफ से जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं उन सब काउंसलर्स में से लीडर हमको चुनना था, तो इसीलिए आज हमारे सब काउंसलर्स और एग्जीक्यूटिव बॉडी हम लोग बैठे। और बहुत ही खुशी का मुकाम है कि यूनानिमसली बहुत एक अच्छे माहौल में हमारे सबसे पहले हमारे एक्ससीसी हमारे फैज़ खान साहब उठ के उन्होंने डॉक्टर जाफर साहब का नाम जो है आगे किया, और उसी फिरोज साहब के प्रपोजल पे तमाम जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं सब काउंसलरों में मुत्तफ़िक़ा राय जो है डॉक्टर साहब के नाम के ऊपर मुत्तफ़िक हुए। और आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम काउंसलर्स की तरफ से लीडर जो है हमारे डॉक्टर जाफर खान साहब जो थुईन ये क्या बोलते हैं थसगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से काउंसलर है, इनको हम अपने लीडर मुंतखब किया है। तो इसको डॉक्टर साहब को हम अपनी तरफ से एज ए सीसी कैंडिडेट जो है आगे जाके करेंगे कॉलेशन में, और इंशाल्लाह आज रात को जो है कॉलेशन का भी मीटिंग होगा। तो फिलहाल जो है हमारे पार्टी की तरफ से डॉक्टर जाफर खान साहब को जाफर आखुंद साहब को हमने लीडर ऑफ द काउंसिल हमने चुना है। तो आगे फिरोज साहब आप लोग को